नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम देवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम इस स्त्रोत के साथ शुरू करें। उसके लिए हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, जैसे पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सांस अंदर लेते हुए ओम निलात्रिनाथम जगतमधीशम चिदंसरूपम शरणेकनाथम श्रीनीलगोत्राधिपति वरेण्यम सुरेन्द्र वंद्य प्रणतोऽस्मि नित्यम सशंखचक्रम सकिरीटीकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। दोनों हाथ का हथेलियों को घिस लें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरा का मालिश करें। आइए आज का योग का क्लास हम शुरू करते हैं। पहले शरीर संचालन, फिर सूर्य नमस्कार, और फिर आगे की ओर आसन की ओर बढ़े। शरीर संचालन का अभ्यास करें। हाथ को ऐसे ऐसे पांच से दस बार इस प्रकार अभ्यास करें, फिर साइड से ऐसे, अब शोल्डर रोटेशन इस प्रकार, दूसरे साइड से, अब हम हाथ को सीधा करें साइड से पीछे की तरफ, दोनों हाथ को ले जाएं और धीरे धीरे वापस आए। दूसरे साइड से इस प्रकार अभ्यास करें, धीरे धीरे सामने वापस आए, फिर दूसरे साइड से, अब नेक रोटेशन, पहले राइट साइड में देखें, सांस लेते हुए वापस आए, फिर लेफ्ट साइड में सांस लेते हुए वापस आए, राइट साइड में सीधा, राइट साइड में सामने सांस छोड़ते हुए, राइट साइड में इस प्रकार पांच से दस बार अभ्यास करें। नेक रोटेशन, सर को जमीन की तरफ, नजर जमीन की तरफ देखें, अब राइट साइड से ऐसे घुमाते हुए,
पांच बार क्लॉकवाइज, फिर पांच बार एंटी क्लॉकवाइज, अब हम कमर को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज पांच बार, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज, अब हम घुटना को रोटेट करेंगे दोनों हाथ घुटने के ऊपर से कस के पकड़ लेंगे, घुटना को हल्का सा मोड़ के क्लॉकवाइज पहले पांच बार, फिर पांच बार एंटी क्लॉकवाइज, अब पैर को इस प्रकार शरीर संचालन अभ्यास के बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर, हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुक जाए, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर पादहस्तासन, राइट लेग को हम पीछे ले ऊपर की ओर देखें, अश्व संचालन आसन, अब दोनों पैर को पीछे ले ले साथ में तुलासन, अब अष्टांग प्रणिपात आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, फिर राइट लेग को आगे लाए अश्व संचालन आसन ऊपर की ओर देखें, दोनों पैर सामने पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार, उत्तानहस्तासन, प्रणवासन, यह सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार अभी हम राइट साइड लेग से किए हैं, अभी लेफ्ट साइड से करेंगे। एक बार प्रणमासन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, तुलासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन,
अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणमासन। इस प्रकार इस क्रिया को हम 5 से 10 बार शुरू में अभ्यास करेंगे, उसके बाद इसको हम काउंट बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम लेट के कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। लेट करके अभ्यास करने वाला आसन, पहले तो हम पीठ के बल पर लेट के अभ्यास करेंगे। पीठ के बल पर लेट जाए, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ को बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर, सांस अंदर ले पहले, दोनों पैर को मिला ले, दोनों हाथ को साइड में। आज हम एक पाद उत्ताना पादासन करेंगे, एक पैर में हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन, एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, राइट लेग को हम ऊपर उठाएंगे, हम 30 डिग्री तक इसको उठाएंगे और वहीं पर रखेंगे। फिर हम दूसरे पैर से 30 डिग्री तक उठाएंगे, और धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। राइट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर उसी स्थिति में रहें, फिर वापस आ जाएं। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर उसी स्थिति में रहें, फिर वापस आ जाए। अब एक साथ दोनों पैर को थोड़ी देर ऊपर उठाएं, कम से कम 30 डिग्री तक इसको ऊपर उठाएं। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसका अभ्यास करते समय एब्डोमिनल रीजन यानी पेट के ऊपर हमारी बड़ा अच्छा इसका तनाव महसूस होता है। पेट जब तना हुआ ऊपर की ओर उठता है, पेट में पेट जो है वो थर थर कांपता है, जंघा का भी मसल जो फैट है, पेट का भी जो चर्बी है वो भी कम हो जाता है, और पेट पर दबाव पड़ने से गैस एसिडिटी ये सब का प्रॉब्लम खत्म होके कंस्टिपेशन दूर हो जाता है। अब हम इसका और थोड़ा सा आर्भंश पोज करेंगे, ऊपर की ओर और लेंगे, दोनों पैर को एक साथ 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री। अब हम इसको 90 डिग्री तक कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बना के इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को रोकेंगे। पंद्रह से 30 सेकंड इसी स्थिति में रहने के बाद हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों पैर को धीरे धीरे जमीन की तरफ लाते हुए। तनाव खिंचाव कहाँ कहाँ होता है उसका महसूस करेंगे। पेट पर इसका अच्छा प्रभाव होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। हम रिलैक्स होने के बाद शवासन में, एक मिनट कम से कम शवासन में हम लेटे, जैसे दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ बगल में, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, शरीर को आराम महसूस होने दें। अब हम अभ्यास करेंगे नौकासन। अब हम उत्तान पाद के साथ
हम नौकासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथ को पैर की तरफ रिलीज स्लोली, धीरे से वापस आए और दोनों हाथ को दोनों साइड से रख के उस स्थिति में थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन, यानी दोनों एक एक पैर का अभ्यास करें, एक एक पैर से हम अभ्यास करेंगे। पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा घुटने से बेंड करेंगे और दोनों हाथ से दोनों हाथ के अंगुलियों को फंसा के घुटने के नीचे से ऐसे करके इसको अपने पेट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, छाती की तरफ उसको लाएंगे, घुटने को छाती पर दबाव बनाएंगे, दोनों हाथ से खींच के और होठ को घुटने पर लगाने का कोशिश करेंगे। पहले एक पैर में अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन, फिर दूसरे पैर में इस प्रकार अभ्यास करें। रिलीज स्लोली, नाउ बोथ लेग्स टुगेदर। अब दोनों पैर को एक साथ दोनों घुटने को पेट की तरफ दोनों हाथ के अंगुलियों को फंसा के घुटने से नीचे रख के उसको हाथ को प्रेशर बनाएंगे, दोनों घुटने को छाती पर प्रेशर बनाएंगे और सर को उठा के होठ को घुटने पर लगाएंगे। थोड़ी देर इस स्थिति में रहने के बाद वापस आएंगे, रिलीज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे शरीर में जो दूषित वायु होता है एब्डोमिनल रीजन में या इंटेस्टाइन में जो भी दूषित वायु पड़ा हुआ रहता है उस सबको निष्कासन कर देता है और पेट में गैस एसिडिटी ये सब का प्रॉब्लम खत्म करता है। पेट पर दबाव पड़ने से इंटरनल ऑर्गन्स और एड्रेनल ग्लैंड्स सबको सक्रिय बनाता है। लीवर, पैनक्रियास, किडनी, एब्डोमिनल रीजन में जब ये सब प्रेशर होता है बनता है पेट के ऊपर, चर्बी भी घटने लगता है और ये सब का मसाज भी होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, अनावश्यक जो दूषित वायु है शरीर के अंदर उसको बाहर निकालने में मदद करता है। विशेष करके इसके वही काम के लिए इसका नाम पवन मुक्तासन है। अब हम इस स्थिति में थोड़ी देर विश्राम करें शवासन में। शवासन मतलब होता है सब के जैसा डेड बॉडी पोस्चर, शरीर सब जैसा पड़ा रहता है, कोई हलचल नहीं। शवासन से वापस आने के लिए पहले दोनों पैर को मिला लें, स्ट्रेच करें, दोनों हाथ को बगल में लाएं, दोनों हाथ को ऊपर की ओर, शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा राइट साइड में, शरीर को राइट साइड में मोड़ें, फिर शरीर को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा घुमाएं, स्ट्रेचिंग करते हुए और पेट के बल पर लेट जाए।
स्थिति में उठ के बैठे। ये था पीठ के बल पर लेट कर कोई कुछ आसन। कोई भी आसन का अभ्यास हम करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, सांस के गति को देखते हुए। फिर हम कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। हम आज सीखेंगे उज्जाय प्राणायाम। उज्जाय यानी जैसे कुछ राजा महाराजा ने जैसे कहीं दुर्ग जाय करके आते थे, कहीं जाते थे तो जाय करके आते थे, कोई राज्य जाय करके आते थे तो एक आवाज निकालते थे, जोर जोर से आवाज निकाल के आते थे। तो उसी प्रकार ये आवाज निकलता है, इसलिए उसका नाम उज्जाय बना हुआ है। ये आवाज जो है वो गले का घर्षण का आवाज है। ये थायराइड के लिए, गले के लिए बहुत फायदा करता है उज्जाय प्राणायाम। हम अभ्यास करेंगे उज्जाय प्राणायाम का। सांस लेते समय हम ये जो ग्लोटिस एपिग्लोटिस है उसको हम हल्का सा दबाए, कंठकूप को हल्का सा दबा के घर्षण पैदा करेंगे जिसका आवाज़ हमको सुनाई देगा। हम एक घर्षण आवाज़ के साथ लेंगे और कोशिश करेंगे कि वही घर्षण का आवाज़ के साथ जो है बाहर सांस को निकालें। दोबारा हम अभ्यास करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ हम अभ्यास करेंगे आज शीतली प्राणायाम। जब गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, महसूस होता है, तो उस समय हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो शरीर को ठंडक पहुंचाता है। शीतली प्राणायाम के लिए हमको जीभ को कौवा के चोंच की तरफ मोड़ के बाहर निकालना है और उससे हमको सांस अंदर खींचना है। फिर हम मुँह बंद करके नाक में से सांस बाहर छोड़ देंगे। पहले हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। अगर सर्दी खांसी जुकाम का शिकायत है या दमा का शिकायत है तो ये शीतली प्राणायाम ना करें। जिनके शरीर में ज़्यादा गर्मी है वो ठंडा हो जाता है इस अभ्यास करने से, इसलिए शरीर का गर्मी को निकाल देता है, ये ठंडक पहुँचाता है शरीर में। दोबारा अभ्यास करेंगे। जीभ को पहले बाहर निकालते हैं फिर मोड़ फोल्ड करते हैं इसको। आज हम इस जो क्लास को विराम देने से पहले 3 बार ओम का जप करें। सांस भरे अंदर, ओ
दोनों हाथ को धीरे धीरे घर्षण करें, दोनों हाथ हथेलियों को गर्म करके आंखों पर लगाएं, चेहरा का हल्का सा मालिश करें। नमस्ते।